अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व कराम, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऊँट जो होता है वो जब सांप खाता है तो बाद में वो रोता क्यों है, उसकी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। याद रहे कि ऊँट ऐसा जानवर है कि जिसके बारे में दुनिया के सारे लोग जानते हैं। आज मैं आपको एक हकीकत से पर्दा उठा के आपको हकीकत दिखाऊंगा कि ऊँट सांप खाने के बाद क्यों रोता है और सांप वो खाता क्यों। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हर ऊँट को एक बीमारी होती है जिसका नाम है हयाम। तो इस बीमारी का इलाज सिर्फ यही है कि उसे एक सांप जिंदा खिलाया जाए, लेकिन सांप का जहर इतना ज़्यादा शदीद होता है कि जिसकी वजह से सांप खाने की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये आंसू भी कम नहीं होते बल्कि ये बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं, और फिर उस ऊँट के मालिक उस जहर को ख़त्म करने के लिए ऊँट को जो है ढेर सारा बहुत सारा बड़ी मकदार में पानी पिलाते हैं, मगर फिर भी ढेर सारा पानी पिलाने के बाद भी उनकी तकलीफ़ कम नहीं होती, जिस तकलीफ़ की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। तो ये आंसू जो होते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि इनको पहले जमा किया जाता है और फिर ऐसे लोगों के लिए दवाई के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिनको सांप ने काट लिया हो तो उसमें मददगार ये होते हैं। मौज़े सामीन व कराम, ऊँट जो है इंसान की बेपनाह खिदमत करता है। आपने देखा होगा कि जब से ये ऊँट आया है, और इसको सहरा का जहाज़ भी कहते हैं, सफ़र के लिए बहुत ये इस्तेमाल किया जाता है आज भी, और पहले दौर में इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस तरह इसको तकलीफ़ होती है और इसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो और मालूमात अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहें और आप हमारे वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।